नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ मेघा कौशिक। दर्शकों, हम हर रोज लेकर आते हैं आपकी समस्याओं के हल, लाते हैं आपके लिए वो महाटोटका जिससे आपकी परेशानियां हल हो जाएं, जिससे आपको जीवन में सफलता मिले, सुख समृद्धि मिले। और आज भी कुछ ऐसे ही महाटोटके हम लेकर आए हैं। साथ ही लोकसभा चुनावों की बात कर रहे हैं तो उसमें भी चर्चा करेंगे और दिव्य मंत्र भी आपको बताएंगे। लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। स्वागत है पंडित जी आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आपकी परेशानियों का हल भी हम लगातार जानेंगे और उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। शो की शुरुआत कर लेते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं दुर्लभ संयोग। गुलक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आपको कंगाली, गरीबी, दरिद्रता से मुक्ति दिलवाने वाले महाचमत्कारिक उपायों की। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए और लिखते जाइए आज मंगलवार के महाचमत्कारिक उपाय। दोस्तों, आज मंगलवार दिनांक 2 अप्रैल सन 2019 को चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की वृद्धि द्वादशी तिथि है। आज भोग प्रदोष का व्रत किया जाएगा और हर कार्य में सफलता प्रदान करने वाला अत्यंत दुर्लभ शुभ संयोग वारुणी पर्व योग का भी आज दुर्लभ संयोग बन पड़ा है। जी हां दोस्तों, आज प्रातःकाल 8:39 से सूर्यास्त तक, वारुणी पर्व नामक बना बड़ा ही दुर्लभ संयोग। ऐसे शुभ संयोग में किए गए हर कार्य में मिलेगी आपको 100% सफलता। आज शुरू करें कोई नया व्यापार, होगा लाखों करोड़ों का मुनाफा। आज के इस योगा योग में गंगा आदि तीर्थ स्थानों में स्नान करना, दान करना, उपवास करने से करोड़ों सूर्य चंद्र ग्रहणों में किए जाने वाले जप अनुष्ठान के समान शुभ फल प्राप्त होता है। आज के इस योग में शिव आराधना से समस्त प्रकार के सुख ऐश्वर्य प्राप्त किए जा सकते हैं। आज यदि आपको यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ का फल हजारों यज्ञों के समान मिलता है। एग्जाम्स का यदि आप कोई फॉर्म भरना चाहते हो, पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, कोई ट्रेनिंग कोर्स शुरू करना चाहते हैं, कोई नया काम धंधा व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो आज वारुणी योग अत्यंत शुभ योग माना गया है। ऐसे शुभ योग में कार्य प्रारंभ करने से कभी पराजय, असफलता का सामना नहीं करना पड़ता है। आज बने इस वारुणी योग में नया मकान खरीदना, दुकान खरीदना, प्लाट खरीदना शुभ रहता है। उत्तोत्तर वृद्धि होने लगती है। वारुणी योग में ही नया स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना भी शुभ माना जाता है। और यदि वारुणी योग में विवाह की बात पक्की कर दी जाए तो वो रिश्ता कभी भी टूटता नहीं है, डिवोर्स नहीं होता है, एक हेल्दी रिलेशनशिप बनी रहती है। तो आज ऐसे शुभ संयोग में भोम प्रदोष, वारुणी योग, ऐसे शुभ संयोग में कैसे करें भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न, हनुमान जी महाराज को प्रसन्न, आइए उसको भी समझ लेते हैं। आज सुबह स्नान के पश्चात ऐसे शिव मंदिर में जाइएगा जहां हनुमान जी महाराज भी विराजित हो। पहले भोलेनाथ का कच्चे दूध, देसी घी, दही, फलों के रस से अभिषेक कीजिएगा। चंदन, बिलपत्र, सफेद आंकड़े के पुष्प, नैवेद्य फल इत्यादि भोलेनाथ को अर्पण कीजिएगा। देसी घी का दीपक जलाइएगा। तत्पश्चात हनुमान जी महाराज की प्रतिमा का भी अलग अलग सामग्रियों से अभिषेक कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला, प्रसाद, फल, पान का बीड़ा इत्यादि उनको अर्पण कीजिएगा। आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा। व्रत का संकल्प कीजिएगा। आज भौम प्रदोष है, संकल्प कीजिएगा। आज भौम प्रदोष का व्रत करते हैं, कर से मुक्ति मिलती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का बैठकर जाप करना है। संध्या समय में, प्रदोष काल में दोबारा स्नान करके स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करके शिव मंदिर वापस जाना है। शिव भगवान की विधि विधान से वापस पूजा अर्चना करनी है। आज विशेष तौर से शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा।
नारियल के पानी से अभिषेक कीजिएगा और केले के फल का जोड़ा भोलेनाथ को अर्पण कीजिएगा, बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, भोम प्रदोष की कथा सुनिएगा अथवा सुनाइएगा और सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा। संध्या समय में आरती करें, पुष्पांजलि करें, सभी को प्रसाद वितरित करें, उसके बाद भोजन करें। आज महामृत्युंजय मंत्र का पूजन मंत्र आपको दिन भर करना है। ओम तंबिकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम तंबिकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भक्तिपूर्वक भोम प्रदोष के दिन भोलेनाथ की, हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना करेंगे, उनका होगा कई समस्याओं का समाधान, उनको मिलेगी गरीबी, कर्ज, रोग, शोक, अमंगल से मुक्ति, मिलेगा विवाह का सुख, बनेंगे रोडपति से करोड़पति। बिल्कुल, तो ये दुर्लभ संयोग और उसकी पूजा विधि तो पंडित जी ने आप सभी को बता दी है। और अब कॉल ले लेते हैं। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से अभिषेक जी पंडित जी ये जुड़ गए हैं। 28/10/1995 डेट ऑफ बर्थ और 11:10 का सुबह का समय। स्वागत है अभिषेक जी, क्या सवाल है बताएं। पंडित जी प्रणाम। जय श्री कृष्णा। पंडित जी मैं पूछना चाह रहा था कि अभी मई में मेरे टेस्ट की एक डेट निकली है, तो कैसा रहेगा और क्या क्या उपाय करूँ उसको अच्छा करने के लिए। मई 12 को है टेस्ट। पंडित जी देखो अभिषेक, आपको हम 2-3 बार बता चुके हैं, आप एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं थोड़े दिन में। एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए सारी चीज को। मूल नक्षत्र का जन्म है, मूल नक्षत्र की विधि विधान पूर्वक शांति नहीं करवाई हो तो करवाइए। एग्जामिनेशन में सक्सेस चाहिए तो सूर्य जिस दिन आपको, वैसे तो रोज ही करना है लेकिन उस दिन विशेष तौर पर जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन आपको सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करना है। आदित्य हृदय स्त्रोत का सूर्य भगवान के सामने खड़ा होकर पाठ करना है। अगर वो नहीं कर पाए तो 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। एग्जाम देने जाने से पहले लाल रंग की गौ माता को पालक, गुड़, चारा जो भी श्रद्धा अनुसार आप खिला सके वो आपको खिला के जाना है। आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का पूरा पूरा योग है, इसमें कोई दो राय नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लेकिन चूंकि सूर्य नीच का है तो सूर्य की शांति कीजिए, बाकी एवरीथिंग इज इन योर फेवर। बिल्कुल, देखिए उपाय आपको बता दिया है। और अभिषेक जी बार बार एक ही चीज पूछने से या परेशान होने से उस चीज पर कुछ नहीं होगा। काम कीजिए, उपाय जो बताए हैं आपको वो कीजिए, आपको समस्या का हल आप जरूर मिलेगा। अब आगे सोनिका जी का कॉल लेते हैं। पंडित जी ये कलकत्ता से जुड़ गई हैं और अपने भाई मुकेश के लिए जानना चाहती हैं। सोनिका जी स्वागत है आपका, भाई का डेट ऑफ बर्थ और समय हमें दें। 12/6/1978। 12/6/1978 समय बताएं। दोपहर में 3 बजे। प्रश्न पूछे बेटा। मेरे भैया का बिजनेस सही नहीं चल रहा है, उसकी सरकारी नौकरी का है, वो कब तक उसका उसमें बहुत परेशानियां आ रही जी। देखिए जहाँ तक आपके ब्रदर की जन्म कुंडली का सवाल है, पहला क्वेश्चन आपका यह है कि सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है। तो इस बच्चे की जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग नहीं है। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली के अंदर भारी पितृदोष बना हुआ है। अष्टम भाव में सूर्य और शनि दोनों साथ बैठे हैं। जब सूर्य शनि साथ हो जाता है तो पितृदोष बनता है। पितृदोष का मतलब यह है कि आपके पिता की तरफ, मतलब भैया के पिता के परिवार की तरफ, 3 पीढ़ियों में आपके पिता, दादा, परदादा, 3 पीढ़ियों में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, कोई छोटी उम्र में आपके परिवार में होके ख़त्म हुआ हो, इस बच्चे के पहले जन्म से पहले आपके मदर के अबॉर्शन हुए हों तो इसके कुंडली में पितृदोष है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस बच्चे के जीवन में सब कुछ अच्छा रहे, मंगल ही मंगल रहे, तो सबसे पहला काम इसको अपने कुंडली में स्थित पितृदोष की विधिवत शांति करानी होगी, उज्जैन या पुष्कर जाकर। गुरु की महादशा इसको अभी चल रही है, गुरु की महादशा में भी विशेष तौर पर चंद्रमा का अंतर है, समय में वैसे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली के अंदर इसका भाग्येश बुध अस्त है। विदाउट लक आपको जीवन में कुछ भी नहीं मिलता है। 1.25 रत्ती का पन्ना रत्न सीधे हाथ में धारण करवाइए, सोने के अंदर 1.25 रत्ती का पन्ना रत्न सीधे हाथ में धारण करवाइए। हरे कपड़े खूब पहने, हरी सब्जी खूब खाए और उसके साथ साथ में विशेष तौर पर एक और इसका ग्रहण योग है, राहु चंद्रमा और मंगल का, 3 ग्रहों की युति का ग्रहण दोष है। योग्य आचार्य के निर्देशन में ग्रह शांति अवश्य करवाइए। जी पंडित जी आगे वीरेंद्र जी का कॉल लेते हैं, कोटा से ये जुड़ गए हैं।
18/5/1984 डेट ऑफ बर्थ और 6 बजे का शाम का समय ये बताते हैं। स्वागत है आपका, समस्या बताएं। जी वीरेंद्र जी बताएं, समस्या बताएं। मैडम अपने थोड़ा स्वभाव के लिए पूछना, चिड़चिड़ापन और गुस्सा रहता है मैडम स्वभाव में। जी देखिए वीरेंद्र जी, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, थोड़ा ही नहीं आपको ज्यादा गुस्सा रहता है, क्योंकि आपके लग्न के अंदर आपके दिमाग में मंगल और शनि दोनों बैठे हैं। मंगल की ऊर्जा तो आपके दिमाग में है ही, उसके साथ शनि की ऊर्जा भी है। ऐसे लोग हैवी मांगलिक होते हैं, भारी मांगलिक होते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम को देखते हैं तो अक्सर हम ये लोग कहते हैं कि जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि मंगल की युति बन जाती है, ऐसे जातक जो है उनको या तो जीवन में शारीरिक या आर्थिक या मानसिक या दाम्पत्य जीवन से जुड़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप जीवन में संपूर्ण रूप से सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो खेजड़ी के पेड़ के नीचे या खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष शनि मंगल की विधि विधान पूर्वक आप शांति करवाइए, ताकि आपके जो मंगल शनि का जो असर है वो थोड़ा सा कम हो सके। नहीं तो ये इतनी ओवर एनर्जी है कि ये आपके ऊपर ही भारी पड़ेगी। एक सफ़ेद मोती 7.25 रत्ती का सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली के अंदर सोमवार के दिन धारण करें और मंगलवार को हनुमान जी महाराज के मंदिर में दर्शन अवश्य करें, पान का बीड़ा चलाएं, कम से कम 7 मंगलवार कीजिए, आपके गुस्से में फर्क दिखाई देगा। जी वीरेंद्र जी, तो उपाय पंडित जी ने बता दिए हैं और कारण भी बता दिए हैं, तो गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि ये गुस्सा अगर आप करेंगे तो आपके लिए ही हानिकारक होगा, तो जरा गुस्से से बच के रहिए। और अब आगे बढ़ते हैं दर्शकों, और चूंकि आज मंगलवार है तो मंगलवार का महाटोटका पंडित जी से ले लेते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं आज मंगलवार के दिन गुडलक टिप्स का, आपके पसंदीदा कार्यक्रम गुडलक टिप्स का, आपके पसंदीदा महाचमत्कारिक टोटके। तो दोस्तों, क्या आप अपनी लाइफ के, अपने जीवन के सबसे खराब दौर में से गुजर रहे हैं? क्या आपके सामने जीवन का, मरण का प्रश्न बना हुआ है? क्या आप पूरी तरह से कर्ज में डूब चुके हैं? क्या आप गंभीर ला इलाज बीमारी से पीड़ित हैं? आपको लगता है कि आखिरी सांसें रह गई हैं, भगवान से मौत मांग रहे हैं? यदि हां तो आज एक महाचमत्कारिक उपाय, महाचमत्कारिक टोटका आपकी बदकिस्मती को, आपके बैड लक को खुशकिस्मती में, गुड लक में बदल सकता है। आपकी हर वो मुराद पूरी कर सकता है जिसकी आप चाहत रखते हैं। सभी प्रकार की शारीरिक, आर्थिक, मानसिक समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। आपको करना क्या है, आइए उसको जान लेते हैं, समझ लेते हैं, लिख लेते हैं। आज संध्या काल में लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी महाराज के मंदिर में हनुमान जी महाराज का अनार के रस से अभिषेक कीजिएगा। भौम प्रदोष के दिन बड़ा ही दुर्लभ संयोग में जब इस प्रकार के उपाय किए जाते हैं तो निश्चित तौर पे उन उपायों के चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आज संध्या समय में स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात लाल रंग के वस्त्र धारण करके हनुमान जी महाराज की प्रतिमा का अनार के रस से अभिषेक कीजिएगा। चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी महाराज को सिंदूर का चौला अर्पण कीजिएगा। हनुमान जी महाराज के समक्ष सरसों के तेल का, चमेली के तेल का श्रद्धा अनुसार आप दीपक अर्पण कीजिएगा। सुगंधित इत्र अर्पण कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा। एक चांदी के बने हुए पान के पत्ते पर, चांदी के बने हुए पान के पत्ते पर एक देसी घी का रोट, उस रोट के ऊपर शुद्ध घी, थोड़ा सा बूरा, देसी घी का रोट, उस पे थोड़ा सा घी और बूरा, बूंदी के लड्डू, बूंदी के 5 लड्डू, गुड़ चने का भोग पान के पत्ते पे, वो भी चांदी का बना हुआ पान का पत्ता हो, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, सिंपल पान के पत्ते पे ले लीजिएगा। भोग हनुमान जी महाराज को अर्पण कीजिएगा। पान का बीड़ा अर्पण कीजिएगा। अब आपको गुलाब के 108 पुष्प लेकर
हनुमान जी महाराज की प्रतिमा के समक्ष बैठना है। हनुमान जी महाराज के 108 चमत्कारिक नाम होते हैं। यदि उन नामों का सप्ताह में एक बार आप उच्चारण कर लें, आपके सभी प्रकार के कष्ट हनुमान जी महाराज स्वतः ही दूर कर देते हैं। अजर अमर हनुमान जी महाराज आपकी रक्षा के लिए सदैव खड़े हो जाते हैं। तो आज आपको हनुमान जी महाराज के 108 नामों का पाठ करना है। हर नाम के साथ साथ एक एक पुष्प हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में आपको अर्पण करना है। हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में अर्पण किए गए गुलाब के पुष्पों को सुखाकर उसका गुलकंद बनाना है और प्रसाद के रूप में रोजाना उसको ग्रहण करना है। इस प्रकार हनुमान जी महाराज की आज पूजा अर्चना करनी है, संध्या समय में आरती पुष्पांजलि करनी है। तो आज भौम प्रदोष पर हनुमान जी महाराज का चमत्कारिक उपाय आपकी लाइफ में, आपके जीवन में छाए हुए गंभीर संकटों के बादलों को दूर कर सकता है। इस चमत्कारिक उपाय से आप बन सकते हैं रोडपति से करोड़पति। आज हनुमान जी करेंगे आपका बेड़ा पार, मिलेगी बढ़ती कंगाली, गरीबी दरिद्रता से परमानेंट मुक्ति। बिल्कुल, तो आपको परमानेंट मुक्ति चाहिए गरीबी से, आपको चाहिए पैसा धन आपके पास आए, तो आज हनुमान जी का वार है। संकट मोचक तो है ही और हर समस्या का हल वो सुन जानते हैं और आपको देते हैं। तो दर्शकों आगे बताएंगे आपको चुनावी टोटका, लेकिन फिलहाल यहाँ समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाते जाते छोड़े जाते हैं आज के पंचांग के साथ। के बाद एक बार फिर से गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों गुड लक टिप्स में आपके लिए हम टोटके लाए हैं और साथ ही आपकी समस्याओं के हल भी। तो राजेंद्र जी का कॉल लेते हैं, गंगानगर से ये जुड़ गए हैं। पंडित जी 12 जुलाई 1981 डेट ऑफ बर्थ बताते हैं और 1 बजे का दोपहर का समय। राजेंद्र जी स्वागत है आपका, बताए क्या समस्या है। पंडित जी नमस्कार। जय श्री कृष्णा। पंडित जी मैं अपना एक मकान बनाना चाहता हूँ। अभी तो मैं रह रहा हूँ, हमारा मकान बहुत पुराना हो चुका है, तो बहुत काफी समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन बन नहीं पा रहा है। बताएंगे क्या? देखिए बेटा, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आपके जो मकान का योग जो बनेगा, वैसे तो इसी वर्ष बनने के योग बनते हैं, दीपावली के आसपास में आपके मकान बनने में जो अड़चने आ रही, रुकावटें आ रही हैं, वो स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। एक लोहे का छल्ला आपको मध्यमा उंगली में धारण करना है। छल्ला ऐसा जो खुला हुआ नहीं हो, बंद छल्ला हो बिल्कुल, ऐसा छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करें। और उसके साथ साथ में हर सोमवार को शिवलिंग के ऊपर चांदी का चंद्रमा चढ़ाना है, कच्चे दूध से या छाछ से भोलेनाथ का अभिषेक करना है। 8 सोमवार आपको ऐसा करना है। और रही बात मकान की, तो निश्चित तौर पे भूमि पुत्र मंगल आपका बहुत अच्छा है और मंगल के आशीर्वाद से आपको मकान जरूर मिलेगा। अगले वर्ष आप अपने स्वयं के मकान में रहने चाहिए। बिल्कुल, तो ये राजेंद्र जी उपाय आपको बता दिया है और आपका जो सपना है वो जरूर पूरा होगा, क्योंकि आप प्रयास लगातार कर रहे हैं, आपको अपना घर जरूर मिलेगा, हम यही आशा करते हैं। और दर्शकों अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हर रोज हम आपके लिए कुछ लोकसभा चुनाव से जुड़े उपाय लेकर आते हैं, टोटके लेकर आते हैं, और अगर आप भी इस चुनाव का हिस्सा है तो आपको क्या टोटका करना है, चलिए पंडित जी से जानते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं आज का चुनावी महाटोटका। तो दोस्तों आज बने वारुणी पर्व नामक दुर्लभ संयोग में, आज बने वारुणी पर्व नामक दुर्लभ संयोग में करें आपको नॉमिनेशन फाइल आज आप कर सकते हैं।
करे चुनाव अभियान की महाशुरुआत ऐसे शुभ संयोग में, करे मुख्य चुनाव कार्यालय की शुरुआत ऐसे शुभ संयोग में, मिलेगी चुनाव में 100% जीत, मिलेगा मंत्री पद, मिलेगी लाल बत्ती की गाड़ी। जी हां दोस्तों, आज बना दुर्लभ संयोग वारुणी पर्व नामक शुभ संयोग में यदि आज आप नॉमिनेशन फाइल करते हैं, चुनाव कार्यालय की शुरुआत करते हैं, निश्चित तौर पर आप जीत की तरफ कदम बढ़ाते हैं, एक ऐसी जीत जो आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। तो आज के दिन चुनाव से संबंधित कोई विशेष काम यदि आप करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। बिल्कुल, तो पंडित जी आज नामांकन भी शुरू हो रहे हैं, तो ये उन लोगों के लिए भी सफलता का सूत्र है और उन लोगों के लिए भी जीत दिलाएगा जो कि आज नामांकन भरने जा रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हरजिंदर जी का कॉल लेते हैं, अजमेर से ये जुड़ गए हैं। बेटी के लिए जानना चाहते हैं 25 जून 2001 डेट ऑफ बर्थ और 1:40 का इनका रात का समय है। स्वागत है आपका हरजिंदर जी, क्या सवाल है, समस्या क्या है, बताएं। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण बेटा। पंडित जी, उसने मैंने कॉल लगा था, बात नहीं हो पाई थी, मुझे अपनी बेटी के लिए जाना है, इसने इसके 12वीं के पेपर दिए हैं, तो ये आगे एससीए की तैयारी करना चाहती है, तो क्या इसके लिए आगे ये लाइन सही रहेगी? किस चीज की तैयारी करना चाहती है? सीए की। अभी सब्जेक्ट्स क्या रहे हैं इसके? सब्जेक्ट इसके पास कॉमर्स मैथ था पंडित जी। ओके, निश्चित तौर पे बच्चे की जन्म कुंडली वैसे अच्छी है, अगर ये सीए बनना चाहती है तो सीए की तरफ जा सकती है। अश्लेषा नक्षत्र का जन्म है, शुक्र की महादशा अभी इसको चल रही है और इसका गुरु भी अच्छा है, यदि ये लॉ सेक्टर में जाना चाहे, मैनेजमेंट सेक्टर में जाना चाहे तो उसमें भी सफलता प्रदान हो सकती, सीए की तरफ बढ़ेगी तो उसमें भी सफलता प्रदान होगी। इसकी कुंडली में और कोई दोष नहीं है, बुध अस्त है, गुरु अस्त है, तो थोड़ा सा हरे कपड़े खूब पहने, पीले कपड़े खूब पहने और उसके साथ साथ वजन के बराबर गुड़ का दान जरूर कराएं और एडमिशन दिलाइए, आप तो सीए का प्रोसेस शुरू कराइए, माता रानी सब देखेगी और अच्छी सफलता इसको प्रदान करेगी, हमारा शुभ आशीर्वाद भी गुड़िया के साथ है। बिल्कुल, तो हरजिंदर जी आप और आपकी बेटी जो सपना देख रहे हैं, भविष्य सुधारने का जो सपना आप बेटी के लिए देख रहे हैं वो जरूर पूरा होगा। पंडित जी ने अनुमति दे दी है कि आप सीए में जो है बेटी आपकी जा सकती है। और दर्शकों, आज के दिन को आप अगर पूरी तरह से खुशनुमा बनाना चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, बीमारी नहीं चाहते हैं, तो क्या गुड लक टिप करने हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं आपके पसंदीदा गुड लक टिप्स। सबसे पहला गुड लक टिप्स आपकी सेहत से जुड़ा, हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो आज अनार के रस में 5 तुलसी के पत्ते डालकर उसका सेवन कीजिएगा, निश्चित तौर पर पूरा दिन जो है वो स्ट्रेस फ्री बना रहेगा, मानसिक तनाव नहीं होगा। आज का गुड लक टिप्स हमारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए, कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, जो बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए, हनुमान जी महाराज के श्री चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर या अपने नाभि पर लगाकर आज आप एग्जाम देने जाइएगा, निश्चित तौर पर आपको एग्जाम में 100% सफलता प्राप्त होगी। आज का गुड लक टिप्स कर्ज मुक्ति से जुड़ा हुआ है, धन आगमन से जुड़ा हुआ है, बंदरों को केले खिलाने से कर्ज से जल्द मुक्ति मिलती है, तो आज बंदरों को केले खिलाने जरूर जाइएगा। आज का गुड लक टिप्स आपके प्रोफेशन से जुड़ा है, नौकरी से जुड़ा है, व्यापार से जुड़ा है। आज के दिन की शुरुआत सुबह लाल रंग की गौ माता को रोटी खिलाकर कीजिएगा, निश्चित तौर पर नौकरी व्यापार में पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। आज का गुड लक टिप्स आपके वैवाहिक जीवन के लिए, हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, तो आज चूंकि मंगलवार का दिन है, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा, मांस मदिरा का सेवन आज आपको नहीं करना है। आज का गुड लक टिप्स आपके घर की सुख शांति समृद्धि बरकत से जुड़ा हुआ है, घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ संध्या समय में चमेली के तेल का दीपक जलाइएगा, आपके घर के अंदर सुख शांति समृद्धि का वास रहेगा। जी पंडित जी, और अब आगे बढ़ना चाहेंगे और आज का दिव्य मंत्र आपसे लेना चाहेंगे। आइए दोस्तों जानते हैं आज का महादिव्य मंत्र, ओम विरोधी वीराय नमः, ओम विरोधी वीराय नमः, ओम विरोधी वीराय नमः, ओम विरोधी वीराय नमः। लाभ क्या है?
कि आप अपने विरोधियों की, शत्रुओं की कुटिल चालों से परेशान हैं? क्या आपके विरोधी, आपके दुश्मन हर वक्त आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहते हैं, आपके सुखी जिंदगी को बर्बाद करने में तुले हैं? यदि हां, तो इस दिव्य मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। मिलेगी आपको विरोधी, शत्रुओं की कुटिल चालों से, कुचक्रों से, षड्यंत्रों से मुक्ति। होगा आपके नहीं चाहने वालों का सर्वनाश। दुश्मन भी बोलेगा कि बख्श दो हे राम। बिल्कुल, तो उम्मीद यही करते हैं कि कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। पंडित जी, स्टूडियो में आने के लिए, समस्याएं सुलझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो दर्शकों, अगर आपकी भी समस्या है, समाधान जानना चाहते हैं, तो हम आपके लिए रोज गुड लक टिप तो लाते ही हैं, साथ ही महाटोटका देते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं सोमवार से शनिवार। आपसे फिर मिलेंगे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और आगे देखिए स्पीड न्यूज। नमस्कार।